नमस्ते, हरियाले किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक नया आइटम बनाने जा रहा हूँ घर में, जो है कलमी कबाब। ये थोड़ा डिफरेंट रेसिपी है, ये मैं थोड़ा दम करके बनाऊंगा। तो मैं इसके लिए दम के लिए मैं क्या क्या लिया, इसको मैरिनेशन के लिए क्या क्या लिया, मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। सोयाबीन में एक कढ़ाई ले लिया, उसमें ऑयल डाला, गार्लिक डाला और अजवाइन डाला। इसको थोड़ा फ्राई होने के बाद मैं थोड़ा बेसन डालूंगा, कारण रोस्टेड बेसन कलमी कबाब के लिए अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके लिए मैं इसमें बेसन को फ्राई करके उसके बाद उसको ठंडा करूंगा। देखिए, बेसन डाल दिया, तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लूंगा, इसको ठंडा भी करके रख दूंगा। तो चिकन ले लिया मैं 4 पीस लेग पीस, देखिए इसको ड्रमस्टिक पीस। इसको मैं हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन स्लाइस, सॉल्ट एंड गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड हैंग कार्ड, फ्राइड चना फ्लावर, काजू पेस्ट। अभी मैं चिकन को ऐसे करके कट कर लूँगा, तो इससे मैरिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा लेग पीस को मैं कट कर लिया। अभी एक बोल में मैं हैंग कट ले लिया, 2 स्पून हैंग कट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और काजू पेस्ट 2 स्पून, रोस्टेड बेसन 1 स्पून, और लेमन जूस थोड़ा। और जितना मसाला था प्लेट में, मैं सब पूरा डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करना, हुई से देखिए पूरा एक साथ स्मूथ पेस्ट करना। तो इसमें थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल डालूंगा मैं थोड़ा। अभी चिकन को पूरा उसमें डाल दिया, डाल के इसको अच्छा मैरिनेशन कर लूँगा। पूरा मसाला उसमें अच्छे से मैरिनेट करना। मैं 10 मिनट्स कवर करके रख दूंगा। एक गैस ओवन में मैं एक आयरन का जाली ले लिया, तो उसमें थोड़ा लकड़ी लगाया, इसको जलाया। जलाने के बाद एक बोल में मैं रखा चिकन का मिडिल में रख दिया, और थोड़ा इलायची, थोड़ा 4 पीस इलायची एंड थोड़ा घी भी डाल दिया, तो अच्छा स्मोक होने के लिए। देखिए स्मोक आ रहा है, और अभी इसको कवर करके रख दूंगा 15 to 20 मिनट्स। तो पूरा स्मोक इसके अंदर आ जाएगा। बस स्मोक अभी ओपन किया 15 मिनट के बाद, देखिए थोड़ा थोड़ा स्मोक आ रहा है। तो इसके स्मोक्ड हो गया चिकन, पूरा दम हो गया। दम होने के बाद मैं चिकन को बोल में डाल के इसको मैं 8 आवर्स फ्रिज में डाल दूंगा अच्छा मैरिनेशन होने के लिए। तो मेरा मैरिनेशन रेडी, 8 घंटा बाद फिर रिटर्न आ गया। देखिए मैरिनेशन हो गया पूरा चिकन। तो मैं एक गैस स्टोव में एक आयरन का जाली लिया, और एक नॉन स्टिक फ्राई पैन में मैं पहले ग्रिल करूँगा। थोड़ा ऑयल डाल दिया, ऑयल थोड़ा गर्म होने के बाद मैं चिकन पीस को, लेग पीस को धीरे धीरे इसके ऊपर ग्रिल करूँगा।
इसका खूब स्लो फायर, बहुत स्लो फायर में करना है, क्योंकि स्लो फायर में नहीं करने से अंदर में कच्चा रह सकता है। बाकी जो मसाला था उसके ऊपर मैं डाल दिया। अब इसको फिर पलटी करना करके ब्राउन कलर आना चाहिए। देखिए अच्छा कलर आ गया। मेरा नॉन स्टिक में 50% ग्रिल हो गया। अब एक आयरन जाली में मैं थोड़ा ऑयल ब्रश किया, थोड़ा ऑयल लगा ब्रश कर दिया क्योंकि ये चिपकेगा नहीं है चिकन डालने के बाद, तो इसके ऊपर रख दिया। तो स्लो फायर में मैं इसको ग्रिल करूँगा, एक एक पीस करके मैं इसके ऊपर डालूँगा। पहले मैं दो पीस डालूँगा, दो पीस पहले ग्रिल होने के बाद फिर नेक्स्ट दो पीस ग्रिल करूँगा। कैसे करके इसे ग्रिल कर रहा हूँ, तो इसको स्लो फायर में करना, 50% रोस्ट इसमें हो जाएगा। देखिए आप लोग भी घर में ऐसे करके बनाइए। तो ऐसे करके पार्टी कर देना, कलर आ जाएगा रोस्टेड कलर। ऊपर में बटर का ब्रश कर दिया। हिलाते रहना साइड, ये पास ऊपर करना बोथ साइड, तो पूरा साइड में थोड़ा ग्रिल हो जाएगा, कुकिंग भी हो जाएगा। पलटी करके ब्रश करते रहना थोड़ा बटर से, तो अच्छा ग्लेजी आता है, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो मेरा हो गया इसको ग्रिल, कुक हो गया पूरा 100%। थोड़ा मैं फोर्स से देख रहा हूँ थोड़ा अंदर में कच्चा है कि नहीं, तो कच्चा नहीं है, परफेक्ट कुक हो गया। तो मैं इसको निकल के एक प्लेट में डालूंगा। अभी देखिए और एक बार थोड़ा ब्रश कर दिया मैं, कलर भी अच्छा आया, अभी प्लेट में डाल दिया। तो ऐसे करके बाकी मेरा जो और दो पीस आए वो भी मैं ग्रिल कर लूंगा। एक एक करके पूरा कंप्लीट हो गया मेरा चार पीस। देखिए कलर कितना कलर, आपको बाहर का रेस्टोरेंट का कलर सेम कलर, इससे फ्लेवर भी अच्छा है। दम कलमी कबाब, मैं पुदीना चटनी रख दिया, पुदीना चटनी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो इसके साथ मैं थोड़ा सलाद भी डाल दूंगा। तो मेरा कलमी कबाब रेडी हो गया, दम कलमी कबाब। मेरा कलमी कबाब रेडी हो गया, ये मैं दम से बनाया। तो आप लोग का पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आपका सामने प्रेजेंट होगा तो आप लोग सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं।